गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 में प्रश्नावली 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, इस चैप्टर में आपको समांतर श्रेणी के बारे में, पद, सर्वांतर और योग के बारे में जानेंगे। ध्यान देखिए, इसमें सबसे पहले समांतर श्रेणी किसे कहते हैं उसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में नियत संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है, उसे क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी कहते हैं। तथा निश्चित पद को, निश्चित पद या संख्या, मतलब जो संख्या जोड़ी गई है, निश्चित संख्या को क्या बोलते हैं, सार्वांतर, सार्वांतर, ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे, डी से। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जो है हम एक ऐसी सीरीज की चर्चा कर रहे हैं, समांतर श्रेणी, उसमें सर्वांतर डी हो गया। अब देखिए सर, इसका व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप देखिए, सर्वांतर श्रेणी के प्रथम पद को जो है हम ए से दर्शाएंगे, ए वन का मान ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करें, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में एक नियत संख्या को जोड़ने से प्राप्त हो जा रहा है, वो नियत संख्या क्या है, डी। यहाँ पर हम डी जोड़ते चले जाएंगे, तो ए में डी जोड़ेंगे, ए प्लस डी, ठीक उसी प्रकार ए प्लस टू डी हो जाएगा। इन अगला टर्म जो है ए प्लस थ्री डी, फिर प्लस डॉट डॉट करके। ध्यान देखिए यहाँ पर यदि चौथे पद की चर्चा की जा रही है, चौथे पद में क्या कर रहा है, तीन डी जोड़ रहा है, ठीक है। चौथे पद में तीन डी, यदि हम लास्ट में एनवे पद की चर्चा करें तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये तो व्यापक रूप हो गया, व्यापक रूप समझ गए। अब जो है एनवा पद, मतलब जो श्रेणी दी रहेगी उसका एनवा पद क्या होगा, तो एनवे पद को ए एन से दर्शाते हैं। ध्यान देखिए, ए एन बराबर सूत्र क्या है आपका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एनवा पद निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन डी, जैसे पांचवा पद कहेगा तो ए प्लस फोर डी, छठवा पद ए प्लस फाइव डी, मतलब जितना पद कहेगा उसमें से ए को घटा लेंगे, तो एनवा पद ही अंतिम पद होता है। अंतिम पद भी पूछेगा कि किसी श्रेणी का दस, श्रेणी में दस पद हैं तो अंतिमवा पद क्या होगा, तो अंतिम पद को एल बराबर ए एन, ए एन का मान कितना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें तो जानते हैं ए क्या है, प्रथम पद, और डी क्या है, सर्वांतर। यदि अंत से पूछेगा
अंत से यनवा पद, तो अंत से यनवा पद की चर्चा करेगा, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा यल यन बराबर ए प्लस। देखिए पीछे से निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए थ्री डी आए टू डी आ जाएगा, मतलब क्या कर रहा है डी घटा दे रहा है, तो यहाँ भी हम घटाते चले जाएंगे, तो यन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये तीन फार्मूले हैं, इसको नोट कर लेंगे, जहां लिख लेंगे जहां ये क्या कहलाएगा प्रथम पद, ए को प्रथम पद, इसके बाद डी को सार्व अंतर, ठीक है, नोट कीजिए। अब जो है इसके आगे यन पद और सर्वांतर के बारे में जान गए, ठीक है। अब जो है योग, अब कैसे योग निकाला जाएगा उसको देखेंगे, सबसे पहले इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए यन पदों का योग यन पदों का योग इसको किससे दर्शाएंगे, यस यन से, यस यन बराबर सूत्र हो जाएगा यन बटा दो टू ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। देखिए इस सूत्र की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं, विषम संख्याओं का योग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में एक जो है हमेशा आगे बढ़ता है, सम संख्या में दो आगे बढ़ता है और विषम संख्या में तीन। कहेगा कि एक से सौ तक का योगफल निकालिए, तो पद कितने हो जाएंगे सौ, तो यहाँ पर आप सूत्र की सहायता से यन के जगह सौ बटा में दो और ब्रैकेट में दू गुड़े क्या कर लेंगे एक, मतलब दू गुड़े एक फिर प्लस सौ में से एक घटा देंगे तो निन्यानवे और डी का मान एक हो जाएगा, और इसको हल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आएगा, ठीक है। हल करके देख सकते हैं आप लोग, या एक और इससे भी आसान सूत्र है, आपको ध्यान से देखिए क्या होगा, एस एन बराबर, इस सूत्र को भी नोट कर लेंगे, एन बटा दो ए प्लस यल, ए मतलब प्रथम पद, यल मतलब अंतिम पद, ठीक है। इसके भी सहायता से निकाल सकते हैं, इससे आसानी से निकाल, सौ पदों का योगफल, सौ बटा में दो ब्रैकेट में एक प्लस सौ हो जाएंगे, तो सौ बटा दो का मतलब क्या हो गया पचास, ठीक है, और गुड़े सौ में एक जोड़ लेंगे एक सौ एक गुड़ा कर लेंगे तो जीरो पाँच एकम पाँच, जीरो पाँच एकम पाँच, ठीक है, इतना हो जाएगा पाँच हजार पचास आ जाएगा यदि एक से सौ तक की संख्या को जोड़ेंगे, बहुत जल्दी आ गया, ठीक है। नोट कर लेंगे फार्मूले को, एक एस एन बराबर ये है प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा, यदि पद नहीं दिया रहेगा कि दस पद है और अंतिम पद नहीं पता है, केवल प्रथम पद और सर्वांतर पता है, तो उस सूत्र को लगाएंगे, सबसे पहले वाला यदि प्रथम पद और अंतिम पद और यन का मान है तो उसके सेकेंड वाला सूत्र को लगा लेंगे। चलिए अब जो है हम प्रश्नावली 5.1 के पहले सवाल को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ देखिए पहला सवाल दिया है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों। देखिए समांतर श्रेणी में यदि हम d के मान निकालेंगे तो समान आ जाएंगे, तो लिख लेंगे समांतर श्रेणी है, ठीक है, क्योंकि सर्वांतर समान है, यही देखना है आपको। तो इसके लिए कुछ पदों के चाहिए आपको, तो पद कैसे निकलेंगे यहाँ पर कुछ आपको दिए हैं सवाल। जैसे पहला सवाल, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, मतलब आप टैक्सी में चढ़ेंगे तो आपको, ठीक है, देखिए फिर क्या कर रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यहाँ समझने की बात है कि आपको
टैक्सी में चढ़ेंगे तो आपको भाड़ा देना पड़ेगा कुछ न कुछ। इसके बाद पर जितना किलोमीटर चलेंगे उसके अनुसार भाड़ा देना है आपको। तो चढ़ने के लिए आपको भाड़ा देना है 15 रुपया, आप चले चाहे ना चले, ठीक है 15 रुपया देना है। तो ये पहले भाड़ा हो गया, तो इसको मान लेंगे A1, A1 बराबर 15, ठीक है। अब इसके बाद अगले मान लीजिए कि 1 किलोमीटर चले आप, तो वो दूसरा पद हो जाएगा A2, उसके लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा। तो देखिए एक नियत किराया को जोड़ना पड़ेगा, 15 रुपया तो दे चुके हैं, अब आपको 8 रुपया और देना है, तो कितना हो गया 23 रुपया, ठीक है। अब एक और किलोमीटर सोचेंगे जाना, तो फिर आगे बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, जितना प्राप्त हुआ है उसमें 8 और जोड़ देंगे, तो 23 + 8 कितना हो जाएगा 31, ठीक। इसी प्रकार आगे एक और पद निकाल लेंगे, ठीक है, तो 31 + 8 कितना हो जाएगा 39, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे डी, डी बराबर आपको सूत्र बताया गया है A2 - A1, तो A2 - A1 के लिए मान निकालेंगे आप, ठीक है। तो A2 का मान कितना है 23 और माइनस A1 का मान 15 घटा लेंगे तो 8 प्राप्त हो गया। फिर और एक डी का मान निकाल लिए, डी बराबर एक और सूत्र बताया गया आपको A3 - A2, मतलब तीसरे वाले पद को दूसरे में घटाएंगे, चौथे वाले को तीसरे में, वही डी का मान होता है, ठीक है। तो तीसरा पद कितना दिया है 31 और माइनस 23 घटा लेंगे, कितना प्राप्त हो गया 8। देखिए दोनों में 8-8 प्राप्त हो गया, एक बार और दिखा देंगे, तो डी बराबर A4 - A3 सूत्र हो जाएगा। तो A4 का मान 39/31 घटा लेंगे, तो यहाँ भी 8 ही प्राप्त हो गया, ठीक है। देखिए हर एक जगह 8-8-8 डी का मान प्राप्त हो गया, क्योंकि डी समान है, मतलब सर्वांतर जो निकाले हैं वो समान है, अतः क्या लिख लेंगे समांतर श्रेढ़ी है, ठीक है, नोट कर लेंगे। अब जो है पहले के दूसरे नंबर सवाल को देखेंगे आप लोग। देखिए क्या दिया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। और देखिए मान लेंगे कि शुरू में आपका जो है सिलेंडर में आयतन के अनुसार हवा भरा रहेगा L लीटर या Y लीटर भरा है, ठीक है। शुरू में मात्रा कितना है A1 बराबर L, ठीक है। अब A2 ध्यान से देखिए क्या करना है, इसमें से 1/4 हिस्सा को बाहर निकाल लेंगे, तो L माइनस L/4 हल कर लेंगे तो 3L/4 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार A3 पद को निकालते हैं तो क्या करना है, 3L/4 शेष मात्रा है, अब इसमें से इसका 1/4 पुनः निकालेंगे तो 3L/4 और गुणे 1/4 हल कर लेते हैं। तो ध्यान देखिए 3/4L फिर माइनस 3/16L हो जाएगा, यदि घटाएंगे तो ध्यान से देखिए A3 बराबर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 16, 4 का लसा पे 16 ही होगा, ठीक है, 4×4=16, 4×3=12L और माइनस 3L, तो A3 बराबर 12 - 3 गया 9/16L, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या दोनों को अंतर जो है समान है, तो यहाँ पर सबसे पहले D बराबर निकालते हैं A2 - A1, तो 3L/4 और माइनस L, इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3L/4 - L, तो कितना आएगा घटा लेंगे तो L/4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार एक और डी का मान निकाल लेंगे, तो देखिए इसमें A3 - A2 सूत्र होगा, ठीक है, तो 9/16L फिर माइनस 3L/4
चार, इसको भी घटा के देखते हैं ये 16 4 का लसा पे कितना हो जाएगा, 16 16 एकम 16 तो कितना हो गया 9 L, फिर माइनस 4 चौके 16 12 L हो गया, ठीक है। 4 चौके 16 4 बार जाएगा, 4 में 3 से गुणा कर लेंगे 12 L, तो 12 में से 9 घटा देंगे तो -3 L/16। देखिए दोनों मान जो है अलग अलग आ गए, तो यहाँ मान जब दोनों समान नहीं है तो ये क्या लिख देंगे, समानता से चूंकि डी का मान क्या लिखेंगे, चूंकि डी का मान समान, समान मतलब बराबर, समान नहीं है अतः समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है नोट कर लेंगे। अब जो है पहले के तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आए लागत, जबकि प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मान लीजिए पहले पद के लिए खोदेंगे तो 1 मन = 150 रुपया देना है आपको, ठीक है। इसके बाद और खोदना चाहते हैं 1 मीटर और, तो 150 रुपया तो देंगे प्लस 50 रुपया अतिरिक्त और देना है, तो 150 + 50 कितना हो जाएगा 200 रुपया। फिर अगले बार खोदेंगे और खोदेंगे, मान लीजिए तीसरे पद पर जाएंगे तो 200 रुपया तो दे चुके हैं और फिर 50 रुपया और बढ़ा के देना है जितना दिए पहले, तो 250 रुपया हो गया, ठीक है। और चाहते हैं निकालना, एक और पद निकाल लेंगे तो 250 + 50 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 300। अब यहाँ पर डी का मान निकालते हैं तो डी बराबर सूत्र बताया गया है a2 - a1, तो 200 - 150 = 50 हो गया। एक और डी का मान निकाल लीजिए तो इसके बाद सूत्र है a3 - a2, तो तीसरा पद 250 और -200 घटा लेंगे, यहाँ भी 50 प्राप्त हो गया। एक बार और निकाल के चेक कर लेंगे तो a4 - a3 300 - 250 घटा लेंगे, यहाँ भी प्राप्त हो गया 50। यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि d का मान क्या है समान है, मतलब बराबर दे दिया है, अतः क्या लिख लेंगे समांतर श्रेणी है, ठीक है नोट कर लेंगे। अब जो है पहले के चौथे नंबर को ध्यान से देखिए, देखिए खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार मिश्रधन, इसके लिए सूत्र होगा ए, मान लीजिए n वर्ष के निकालना है तो ए ब्रैकेट में 1 + r/100^n, ठीक है। इसी सूत्र पर यदि हम a1 का मान निकालेंगे तो a1 का मान तो जितना रहेगा उतने रहेगा, पहला पद 1 है, 10,000 है तो 10,000, ठीक उसी प्रकार a2 का मान निकालते हैं तो यहाँ पर घात क्या करना पड़ेगा, एक घात जोड़ना पड़ेगा, ठीक है एक घात क्या करना पड़ेगा जोड़ लेंगे, एन के स्थान पर एक रख लेंगे तो ए का मान कितना है 10,000 (1+r) का मान कितना परसेंट है 8/100^1, तो इसको हल कर लेंगे तो 10,000, देखिए 100 * 100 = 8, 108 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में 100 इसको गुणा कर लेंगे तो ध्यान से देखिए ये 100 से 100 तो कट गया, ठीक है अब केवल गुणा करेंगे इसको तो 108 00, ठीक। इसी प्रकार ए3 निकाल लेंगे आगे तो 1,000
10,000 है तो 10,000 ब्रैकेट में 1 + 8/100 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 10,000 × 108 बटा में 100 फिर गुणे 108 / 100, इसको हल कर लेंगे कट जाएगा। अब 108 में 108 का गुणा कर लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपका 11,664, 11,664 गुणा करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर डी डी बराबर a2 - a1, तो ये कितना है 10,800, फिर माइनस 10,000 घटा लेंगे तो 800 प्राप्त हुआ। फिर एक बार और डी कमांड निकालते हैं, तो a3 - a2 ठीक है, तो 11,664 और माइनस 10,000 कितना 800, इसको घटा लेंगे तो 6 4 देखिए 6 है 8 है, तो 16 में से 8 चला जाएगा, 8 0 में 0 गया, 1 में से 1 गया 0 ठीक है। यहाँ पर देखिए एक 864 आ गया, एक 800 आया है, तो यहाँ पर लीजिए चूंकि डी का मान क्या है समान नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है ठीक है। इस तरह से प्रश्नावली 5.1 के सभी सवाल हल हो गए। कल आप लोग को इसके आगे हल किया जाएगा, नोट कर लेंगे।